देखिए एचआर न्यूज पहुंचा है आज अटेली में, और अटेली पड़ता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। तो यहाँ भी लोगों का रुझान जान लेते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपसे वादा किया था तमाम जगह जाएंगे और लोगों के रुझान जानेंगे, उनके मन की बात लेंगे कि किस तरीके से वो सोचते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं और इसके अलावा भी जगह जगह जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे। बाबा लालचंद, लालचंद क्या माहौल क्या है? माहौल देखो जी, ऐसा है कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और पब्लिक को लड़ाना यही काम किया, कोई प्रोग्रेस का काम इन्होंने किया नहीं और जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। बेरोजगारी, महंगाई, इससे जनता त्रस्त है, इस करके लोग अब की बार तो जो है हम पूरी अर्थव्यवस्था देश की तीसरी बन जाएंगे, पांचवी अर्थव्यवस्था बढ़ गए, फिर लोगों में भुखमरी क्यों फैल रही है? तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है तो कितने इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को कर दिया, गरीबी रेखा से ऊपर उठना चाहिए लोगों को। किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए? नहीं, मैं किसी पार्टी। क्या काम करते हो? मैं तो अपना सब्जी को बेचता हूँ। सब्जी की दुकान आप ही की है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं जी तीन। अच्छा, तो काम धाम नहीं है, क्या दिक्कत है? कोई काम नहीं है जी, सब काम फेल हो गया। एक यहाँ अंडर पास बना दिया ये, जिसमें से कोई गाड़ी नहीं निकल सकती, कोई व्हीकल नहीं निकल सकता, उसकी वजह से इस अटली के दो टुकड़े हो गए। अच्छा, कई बार जो है मंत्री संतियों को भी लोगों ने कही लेकिन कोई सुनाई नहीं। लेकिन अब तो धर्मवीर भी तीसरी बार खड़ा है, दान सिंह यहाँ से है, कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हाँ तो दान सिंह बनाया तो ठीक है, दान सिंह को वोट दे देंगे। तो मोदी जी से क्या नाराजगी हो गई? मोदी जी से नाराजगी यही है कि पब्लिक की ना सोच करके सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर तो रहे, बोलो मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान की बात करूंगा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरे रोज आ रही टीवी पे, योजना आती है बात, कम से कम जनता की सोचनी चाहिए। जनता प्रतिनिधि तो चुन के भेजती है तो जनता का ख्याल करना चाहिए। तो आप कांग्रेस की तरफ बात कर रहे हो, मोदी जी कह रहे हैं आप कांग्रेस को ले आओगे तो आपके मंगलसूत्र ले जाएगी, आपकी भैंस ले जाएगी, आजी देखो आपके मकान का एक्सरे हो जाएगा। देखो एक प्रधानमंत्री को बल्कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, ये कोई बात नहीं है, ये सीधी बात है, ये जनता को बेवकूफ कराने करने वाली बात है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। गुस्सा क्यों? बेरोजगारी की वजह से गुस्सा है, काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी काम धंधा हर चीज का जो है बेच दिया, हर चीज को सरकारी उपकरणों को, वहाँ कोई नौकरी नहीं बच्चों के लिए, पढ़े लिखे किसी ने MBA करके किसी ने कुछ करके, हमारा नाम हो रहा है देश का। अजी हो रहा होगा, अब मीडिया वाले कहते हैं ये कहते हैं, जनता को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये माहौल हो रहा है? माहौल कांग्रेस का सर। क्यों भाई ऐसा है? बेरोजगारी और क्या नाम से भ्रष्टाचारी, आगे नहीं वाली बाप चला दी। अच्छा, भर्ती नहीं हो? हाँ, अग्निवीर योजना। हम तो भाई कांग्रेस का सा, बस 5 किलो दाणा जैसे उनसे क्या फर्क पड़े से? 5 किलो दाने कम होते हैं आपको दे रहे हैं, ये बंद करो और रोजगार दो। मार तो एक बालक से और MBA कर रखे, BA कर रखी से, और उसने रोजगार नहीं मिल रो, और कई फार्म भर लिया, कब पेपर लीक हो जाए, कब कुछ हो जाए। ऐसे कहाँ के हो आप? अटेली के? अटेली का। अच्छा, क्या करते हो? मैं तो कुछ ना करूँ, रिटायरमेंट। अच्छा, कहाँ से रिटायर हो? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। हाँ जी। तो वो तो कह रहे बड़ी देश की बड़ी नाम हो रहा है दुनिया के अंदर, बोलो कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, आपकी बहस नहीं, बहस कौन चुरा ले गो? झूठी बात हम किया आवाज है, बहस कौन चुरा ले गो? धनी से बहस का तो वो तो कह रहे उनके मैनिफेस्टो के अंदर ना, मैनिफेस्टो बोलो लिख करके उनको दे देंगे। ना ना, झूठी बात है। अभी वो तो उन्होंने कैसे मंदिर ने भी तोड़ दिया, अपोजिशन कैसे तोड़ देगी? बनी हुई चीज को तोड़ना सीख लिया क्या? तो गुमराह कर रहे हैं वो। हाँ, गुमराह है ये तो। आपको बेरोजगारी से चिंता है? बेरोजगारी से चिंता है, बच्चों की शादी नहीं हो रही उसके लिए। निजीकरण कर रहा है, रेलवे का निजीकरण कर दिया, हवाई जहाज का निजीकरण कर दिया, और बताओ क्या कैसे हर चीज निजीकरण कर रहे हैं, महंगाई चरम पर गई। ये आक्रोश और गुस्सा है अटेली के लोगों का, और भी लोगों से बात करेंगे क्या सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों का मन टटोलने के लिए निकले हैं कि तमाम लोगों से। और ये कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार इस चौक यहाँ पर दिखाए, ये चौक देखे कि शाम का वक्त है और ऐसे में रौनक यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन किस तरीके से सुनसान बाजार के अंदर दुकानों पर ग्राहक नहीं है। और ये देखिए सब्जियों की यहाँ पर दुकानें हैं, सब्जी बेचते हैं, और कहें एक तरीके से सीधा सीधा कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि इन दुकानदारों के आगे कैसे रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया।
ये सब्जियां तक नहीं बिक रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अटेली को इस तरीके से काट दिया गया कि यहाँ पर जैसे वो फ्लाई ओवर बनाया है NH 11 यहाँ पे निकला है, तो इसको अंडरपास बना करके दो हिस्सों के अंदर यहाँ पे कर दिया। उससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है कि इसको कहीं ना कहीं ऐसा रास्ते से बनाना था कि यहाँ पे साफ तौर पे जो है कनेक्टिविटी रहती। आप कहाँ से हैं? यही चीज सर। क्या नाम है आपका? परमेश्वर दयाल। क्या करते हो? बिजनेस होटल। बिजनेस किस चीज का? कमीशन एजेंट की भी दुकान है नई मंडी में। अच्छा। और यहाँ भी बिनोड़े खड़ वगैरह। क्या माहौल है? क्यों नाराजगी है लोगों को? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी वाली बात तो है। कनेक्टिविटी खत्म कर दी हमारा तो। ये अंडरपास से तो फर्क तो पड़ा है काफी। अच्छा। बाकी ऐसी कोई नाराजगी वाली बात तो है नहीं। अच्छा। और मोदी से तो सब खुश है, बाकी ये जो चुटपुटी नेता है ना ये लोकल, ये थोड़े बीजेपी भी खराब है। क्या दिक्कत करते हैं? दिक्कत ये है सब अपने बस अपने तो खुद पैसे खाने के भी वो करते हैं, हिसाब बनाते हैं। आपके विधायक ने कोई काम नहीं किया? ना कोई मतलब नहीं, क्या काम किया है? सीताराम ने, धर्मवीर ने आए नहीं कभी? कोई काम नहीं। ना ना बिल्कुल। तीसरी बार उनको टिकट दिए? टिकट को नए आदमी थे सीताराम, इसलिए मिल गया। अच्छा। और धर्मवीर को तीसरी बार पता नहीं क्यों दे दिया, बताओ। पार्टी में कोई है नहीं इसको एक्सपोर्ट करके इसको तीसरी बार टिकट दे दिया, बताओ। 15 साल पहले ये बीजेपी में थोड़ी था, 10 साल पहले कांग्रेस से एक्सपोर्ट किया गया है और फिर उसको तीसरी बार टिकट दे दिया, बताओ। अब हमारे जैसे जो 80 से जुट रहे हैं उनका क्या हाल? तो आप बीजेपी से? हाँ, सुबह शुरू से, जब से वोट डालने का अधिकार हुआ है तभी से। अच्छा। हाँ, तो यानी कि हम तो दरी बिछाने वाले में रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव चाहते हो? हाँ बिल्कुल, बदलाव चाहते हैं जी। अच्छा, बीजेपी में किस पद पे थे आप? कोई ओहदा पद तो कोई ऐसे नहीं है ना, चुटपी चुटपी नेता की वजह से मिल नहीं सके पद तो हमें। आप समर्थक हो? मतलब समर्थक तो सन 80 में जब मैं पार्टी ज्वाइन किया, जब मैंने 100 सदस्य बनाए थे, जबकि आज 2 रुपए में सदस्य बनते थे, और आज तो सदस्य बीजेपी का कोई बना दे कोई भी बन जाए, लेकिन जिस टाइम तो बीजेपी के 5000 वोट मात्र आते थे विधानसभा में, जब मैंने 100 सदस्य बनाए थे। गुरु गुड़ हो गया, चेला शक्कर चिन्नी हो गया, चेला शक्कर भी गया चिन्नी हो गया। निराश तो है। छुटपुटे नेता जो है ना ये लोकल, इनसे ये अपने पैसे बनाने की तजबीज ढूंढते हैं और हमारे जैसे को पीछे कर लगे। ये खुद बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और अटेली में जब हम निकले तो तमाम चीजें सामने निकल के आ रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल है, क्या जान रहे हैं। तो क्या नाम बताया आपने? परमेश्वर दयाल। परमेश्वर दयाल जी हैं। निराशा कहीं ना कहीं है, बदलाव चाहते हैं, तो तमाम चीजें और भी लोगों से। जी आपका शुभ नाम? अरे श्यामलाल सोनी। श्यामलाल सोनी जी कहाँ से? अटेली से। अटेली में। क्या माहौल है? माहौल है फिलहाल तो मिला जुला है, लेकिन यहाँ ये लोकल नेता है ना वो खराब कर दे, ना तो किसी काम करने दे, ना उनको को आगे आने देते हैं। वो कहते हम ही रहेंगे आगे। कौन लोकल नेता? आपके विधायक यहाँ पे सीताराम है, नाम नहीं ले सकते। सांसद आपके बीजेपी से है? बीजेपी के ही लोग है, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम ही बड़े नेता रहेंगे। जो दरी बिछाया था या आवाज मारने वाले थे, शोर शराबा करने वाले थे, उनके उस टाइम उनको जरूरत थी, आज उनको जरूरत नहीं है। कहना ये कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं? मान सम्मान नहीं है, बिल्कुल मान सम्मान नहीं। कार्यकर्ता छिटक गया बिल्कुल। मतलब 2014 में तो आपने बहुत किया मोदी। हाँ, ये जब सत्ता में आ गई ना तो उन्होंने, अब जरूरत नहीं है कार्यकर्ताओं की, क्यों और बहुत लोग आ गए, सब एक्सपोर्ट कर लिया ना माल कांग्रेस का। अच्छा। और लोग बहुत आ गए है ना, तो उसमें इनको जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं एक बार फिर दोबारा से परिवर्तन हो। लगाम खींचते हैं, धक्का दे रहे हैं, उनका मन बना रखा है। बिल्कुल नहीं आओगे कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ऐसा नहीं चुनाव आते हैं? कोई बात नहीं होती है, देखो मान सम्मान तो सभी चाहते हैं। हमें कोई, आप भी बीजेपी समर्थक हैं? अजी बीजेपी बनी भी नहीं थी उस टाइम के हम। अच्छा, तो ऐसी क्या नाराजगी हो गई आप लोगों में? हमें पूछते नहीं। जब वाजपेयी जी यहाँ आए थे, वहाँ मैं और लाल भाद्रमल, अब वो स्वर्गवासी है, केवल 2 आदमी बैठे थे मंच के ऊपर। चरण सिंह आज सब कहने लगे कि छापा डाल देंगे, सब बढ़िया, कोई नहीं आया, केवल हम 2 आदमी बैठे थे। अब जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है बहुत पुराने हैं, ठीक है आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अब आपको बेरोजगारी, महंगाई या इन चीजों से आप लोगों को महंगाई तो या है फिर, या फिर आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान पूरी तरीके से? मान सम्मान नहीं मिलता जी, मेन बात ये है। और बेरोजगारी भी, व्यापार का व्यापार खत्म कर दिया,
व्यापार के पास कहाँ है। बहुत सारे लोगों से बात की, बोला टेली की कनेक्टिविटी जो सीधी थी एकदम से उसको घुमा दिया, सारा घुमा दिया जी। किसी के पास भी कोई रोजगार नहीं है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई छोटे मोटे दुकानदार काम कर रहे हैं और कोई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कोई नौकरी करवा रहे हैं, छोटी मोटी जो भी नौकरी आ रही है, तमाम चीजों की परेशानी एक सारी परेशानी है। ये देखिए, जब हम निकले हैं अटेली में और एचआर न्यूज ने कहा था हम लोगों के मूड को जानेंगे, तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे जो ये लोग बता रहे हैं, इनसे बारी बारी बातचीत करेंगे क्या सोचते हैं और लोगों का मन टटोल रहे हैं। अच्छा, किस तरह की नौकरी चाहते हैं? कोई मिल जाए, कोई नौकरी वगैरह, कोई कंपनी में मिल जाए। अच्छा, है जी, तो आपके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे और महंगाई वगैरह? महंगाई तो ठीक ही है भाई, अब महंगाई का दोस्त तो ठीक है, पर धंधा नहीं है जी, रोजगार नहीं है। कंपनी में भी लग जाओ तो मतलब सही है, भाई 15-16 हजार की नौकरी लग जाओ, मेरी बात ही है। मोदी जी तो कह रहे हमने बहुत विकास करवाया है, 5 किलो आप लोगों को अब हम रहे हैं। वो तो मिल रहा है, गेहूँ गाँव तो मिल रहा है, बाजरा गैस सिलेंडर सब मिल रहे हैं। हाँ, वो बाजरो और तेल की बोतल, गैस सिलेंडर वगैरह मिलता है आपको? गैस सिलेंडर तो जी कहने में अपने पास है, तो मतलब की है की थोड़ा ना रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। तो ये और भी लोगों से चलते हैं, अलग अलग जगह लोगों से पूछते हैं क्या सोचते हैं लोग, बात थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बातचीत लोगों से करेंगे। देखिए जो यहाँ के लोग हैं, पूरे अटेली की एक बार दिखाए तस्वीरें। भाजी शुभ नेम अपना? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। क्या सोचते हो, माहौल क्या है आपके अटेली का? माहौल हमारा तो बीजेपी का है जी। अच्छा, बीजेपी का मोदी ने जितना काम अच्छा किया है ना, इतना कोई भी पार्टी नहीं कर सकती कभी। जैसे मोदी ने 3 तलाक को खत्म किया, धारा 370 को खत्म किया, ये गरीबों को उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए, जनधन खाते खोले बैंकों के अंदर, मोदी गरीबों के हक में राशन दे रहा है, 5 किलो हाँ 5 किलो दे रहा है। और अगर कांग्रेस का राज होता ना यहाँ पे इंडिया में, तो अभी तक इंडिया पाकिस्तान के अंडर हो जाता। अच्छा, मोदी जैसा नेता इंडिया ही नहीं, विश्व में नहीं है कोई। मोदी की रैंकिंग वर्ल्ड के अंदर 7 है आज के दिन। एक यहाँ पे लोगों में अग्निवीर को और इसको लेकर के निराशा है, रोजगार को लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं ये तो है। कुछ बातें तो अटेली की कनेक्टिविटी थोड़ी सी, कुछ बातें तो बाबूजी बताऊं, जो मोदी है वो गलत भी कर रहा है। जैसे अब की बार ये धर्मवीर को टिकट दी है, ये सरासर गलत दी है। अच्छा, धर्मवीर को टिकट ही नहीं देनी थी, अगर इसको निर्दलीय खड़ा कर दो, अगर इसकी जमानत जब्त नहीं हो तो बीजेपी इस टिकट नहीं मिले, तो मोदी को सोच समझ के कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। तो मोदी ने तो सारे ज्यादा से ज्यादा इजाद कर रखे हैं, बीजेपी में तो कैंडिडेट है कहाँ, सारे तो जो कांग्रेस जी मोदी मोदी वैसे ही टिकट बांट देता है, तो वो ये नहीं देखता कि इसका रिकॉर्ड क्या है। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, अभी आप मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, 90% तो कांग्रेस से इजाद किया जिनको आप भ्रष्टाचार के सारे भ्रष्टाचार। अगर कांग्रेस राज होता हिंदुस्तान पाकिस्तान का गुलाम हो जाता अभी तक। अच्छा, लेकिन आपकी नाराजगी कैंडिडेट से नाराजगी है, लेकिन मोदी की वजह से वोट दूंगा मैं इसको, नहीं इसको तो मैं चाहता ही नहीं। जिसने कोई काम कराया पिछले 10 सालों में? कुछ भी नहीं, यहाँ सकल ही हमने अब की बार देखी है इसकी, इसने जलसा ही अब की बार किया है, इसकी गाड़ियां ही अब की बार देखी हमने। आपके विधायक जो यहाँ से है सीताराम जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने कराया काम? उन्हें भी कोई खास काम नहीं कराया उससे भी, हम तो बाबूजी मोदी का आदमी है। अच्छा, हम सीताराम और धर्मवीर से मतलब ही नहीं हमारे वो। तो ये कहीं ना कहीं जो मोदी जी की लोकप्रियता है वो भी बता रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, काम विकास हुआ नहीं, टिकट में गलती की गई, उसको लेकर के निराशा भी कहीं ना कहीं है कि तीसरी बार क्या बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं थे, क्या एक ही आदमी को बार बार थोपा जाएगा, उसको लेकर के नाराजगी साफ तौर पर कहना है। प्रणय जी राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से है? यही अटेली मंडी से। क्या करते हैं? जोशी वगैरह? मेरा अपना काम है। तो इस टाइम भविष्य क्या कर रहा है देश का?
देश का भविष्य तो हम ही तय करने वाले हैं। क्या जो राष्ट्र हित में सोचे, जैसे मेरा ख्याल तो ये है कि हमें नोटों का बदल दबाना देना चाहिए। अच्छा, क्यों? धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है। अच्छा। तीन बड़े व्यापार चल रहे हैं इस वक्त देश में, एक धर्म के नाम पर, सबसे बड़ा व्यापार धर्म के नाम पर। सनातन धर्म का नाम जरूर लेते हैं लोग, लेकिन सनातन को समझते नहीं है। अरे भाई, राम मंदिर बना दिया आप धर्म की बात? नहीं, राम मंदिर बना दिया तो सहयोग हुआ, जनता का सहयोग हमारी भावनाओं से हुआ। लेकिन आज जो अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है सनातन धर्म के बारे में, खास करके जो ये भक्ति पूर्ण जो चैनल जितने भी चल रहे हैं, अगर मोदी सरकार द्वारा केंद्र में आती है तो एक यही बात रहेगी कि इन पर लगाम लगाई जाए कि जितने भी ये धर्म का व्यापार करने वाले हैं ना, इन पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को भ्रमित करना और धर्म को समझाना जो खुद दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप वोट डालिए, मैंने राम मंदिर बनवाया, दर्शन नहीं कराएंगे। वोट हमारा कहाँ जाएगा वो एक अलग चीज है, उसके बारे में कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, यहाँ बताइए आपके दो कैंडिडेट हैं, दान सिंह है, धर्मवीर है, तीसरी बार में दान सिंह के बारे में मेरा नजरिया, अपना जो खुद का मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं व्यक्तिगत विचार, वो पहली बार यहाँ से आ रहे हैं, हो सकता है जीत भी जाए, हो सकता है नहीं भी जीते। ज्यादातर लोग आपके विधायक ने, जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी से लोग संतुष्ट हैं, आलोचक और समालोचक। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, विधायक ने आपके लिए काम कराया नहीं कराया? आपका जैसे लोग बता रहे हमें यहाँ की अटेली की कनेक्टिविटी, अटेली की कनेक्टिविटी को मोड़ दिया गया। पहले मेन रोड पे अटेली थी, सीधा बाजार में आते थे। काम होता है पब्लिक की एकता से, काम कोई विधायक नहीं करवाता है, पब्लिक ही एक नहीं है। पब्लिक ने जिताया नहीं उनको? नहीं, पब्लिक ने जिताया, फिर काम कौन करेगा? क्या पब्लिक की एकता, ये चीज उनको समझनी चाहिए। क्या नाम आपका? बीरेंद्र। तलाश क्यों हो रही है बताओ? मैं बाछोत गांव से, बीरेंद्र घड़िया नाम से कर्मचारी हूँ। खिलाफ शाम तो बीजेपी सरकार से, क्यों कर्मचारी सब खिलाफ? क्यों बस कुछ ना करो, कर्मचारी देते 2%, 3% कांग्रेस का राज में 10% दिया करता है। देश में नाम हो रहा है, आप है? बता रहे हो कमाल, महंगाई इतनी चरम पर आई। हम तो कांग्रेस पसंद करा, दान सिंह और मार तो जीत खूब बढ़िया, खूब बढ़िया वोटर। अरे मोदी जी से क्यों निराश हो गए 2014? मंदिर है ना गाँव गाँव में, मंदिर रखिए घना मंदिर जरूरी से कुछ अयोध्या बनाओ, क्या फायदे जी आप बताओ? घना रहे ना मंदिर, ये तो नू धर्म पर बैठ रखा, हिंदू मुसलमान लड़ाई का काम करी, जोर के करी बताओ। आपका गुस्सा बेरोजगारी पे है, रोजगार पे है, अग्निवीर पे है, अग्निवीर डालो भी बताओ, अग्निवीर बाल क्या दिखो हाल कर दिए भाई, पूछो मना कहीं बेचार अखबार ला क्या करता, कोई बंद है लागने भट्टी ना से खींचते के नहीं अग्निवीर से, हम तो जाए कहा जी, सरकार से दुखी सो। तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं। ये अटेली से हमने आपको पहला एपिसोड दिखाया और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ये हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन है, हमारी इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये लंबा लाइव हम चला रहे हैं, सीधा आपके सामने लाइव आ रहा है। तो जिस तरीके से हम अटेली में घुसे, सीधा अनकट आपके सामने, बिल्कुल तमाम सवाल लोगों से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग हमसे मिल रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे, कुछ बोलेंगे जनाब, क्या कहेंगे? माहौल क्या है ये बता दो, माहौल क्या है? माहौल तो दोनों का, दान सिंह को बढ़िया है, दान सिंह आप बताइए, पहले आप अपना शुक्रिया। ना ठीक है, दान नाम तो मेरा बिल्लू से नहीं है। क्या करते हो? ये फ्रूट का काम, फ्रूट का क्या माहौल है? ये माहौल तो भाई दोनों बराबर है, बराबर। क्या अब बताओ, क्या कह रहे थे आप? दान सिंह माहौल भाई नहीं, माहौल है, मुद्दे क्या है तुम्हारे? मुद्दे तो बेरोजगार है, अब बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार, तो महंगाई से परेशान हो, किस चीज से? महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दे सौर के बोलते हैं। एक अग्निवीर का मुद्दा है, कुछ असर है? अग्निवीर कैसे बर्बाद कर रहा है बालका ने, और एक रेजिमेंट की एक मांग की, उसको लेकर के भी मांग के नहीं पूरी, ऐसे कोई सही ना भाई।